हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बनाऊंगी स्टिकी राइस का बहुत ही मज़ेदार और यम्मी पुलाव। जी हाँ, सिंपल सा एक रेसिपी है लेकिन बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। तो आइए देखते हैं इस पुलाव को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैं 3 कप स्टिकी राइस ले रही हूँ। आप लोग अपने अपने हिसाब से राइस को ले सकते हैं। इस राइस को मैंने अच्छी तरह से क्लीन करके ले लिया है। अभी पानी में इसको सोक करके रखेंगे 3 आवर्स के लिए। आप चाहे तो आप ज़्यादा समय के लिए इसको सोक करके रख सकते हैं। जितने देर तक आप इसको रखेंगे उतनी पुलाव अच्छी बनेगा। 3 आवर्स के बाद हम इसको साफ पानी से वॉश करके लेंगे। 4 या 5 बार इस तरह हम साफ पानी से इसको वॉश करके लेंगे। मेरा चावल क्लीन हो चुका है। अभी इस पुलाव को बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए मैंने सब कुछ यहाँ पर ले लिया है। प्याज लिया है 2 मीडियम साइज का, कट करके ले लिया है मैंने। हरी मिर्च लिया है 2, इसको भी कट करके ले लिया है। नमक है, रिफाइंड ऑयल है और घी है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है। अभी कढ़ाई गर्म हो चुका है तो हम इसमें रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। ऑयल भी गर्म हो चुका है, इस टाइम हम प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा फ्राई करना है। अभी हम इसमें हरी मिर्च को दे देंगे। फिर इसको थोड़ी देर ऐसे फ्राई करेंगे। हमें इसमें हल्दी यूज़ नहीं करना है इस पुलाव में। चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इस तरह फ्राई करेंगे प्याज को। अभी हम इसमें चावल को ऐड कर लेंगे। इस टाइम हम नमक भी एक साथ दे देंगे इसमें। फिर अच्छे से सबको एक साथ मिलाएंगे। ऐसे करके इसको मिलाने के बाद हम एक ढक्कन देके इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन हटाएंगे और इसको चेक करके देखेंगे। इसमें हमें ज़्यादा पानी यूज़ नहीं करना है, थोड़े थोड़े पानी देके इसको हम पकाएंगे। ध्यान रखिए, इस पुलाव को लो फ्लेम में ही पकाना है हमें। हाई फ्लेम में जल जाएगा, इसलिए लो फ्लेम में ही बनाना है इसको हमें। फिर अभी थोड़ा पानी मिलाएंगे इसमें हम। इस प्रोसेस से ही हम इस पुलाव को बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी देके फिर ढक देंगे, फिर से ओपन करेंगे, चेक करेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। अभी ढक्कन हटा के इसको चेक करके देखेंगे कि हमारा पुलाव कितना हो चुका है। ऐसे मिला के देखेंगे हम। फिर एक साथ सबको ऐसे मिलाएंगे। फिर ऐसे थोड़े थोड़े करके पानी मिलाएंगे इसमें। अभी चेक करके देखेंगे हमारा पुलाव कितना बन चुका है। स्टिकी राइस का पुलाव ना बहुत ही स्टिकी होते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है ये। मेरा पुलाव हो चुका है। अभी इसमें हम इस टाइम घी को ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे हम इसमें, ज़्यादा नहीं देंगे। फिर इसको हम अच्छी तरह से मिलाएंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी घर पर ज़रूर एक बार ट्राई करके देखना, ये बहुत ही यम्मी लगता है खाने में। बिना सब्जी के भी खा सकते हो आप इसको। मेरा पुलाव बनके तैयार है। अभी
हम गैस को ऑफ कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, बनके तैयार हो चुका है यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी पुलाव। आप लोग भी ज़रूर घर पर ट्राई करके देखना। ये टेस्टी गिरा इसका पुलाव बनके तैयार है। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना। थैंक यू।